Hello friends and welcome to my channel Learning and Speaking. Today we learn what is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense kya hota hai? When sentence finished on raha tha, rahe the, rahi thi, then we say that it is a sentence of past perfect continuous tense. Different between past continuous tense and past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में जब भी कोई वाक्य रहा था, रहे थे, रही थी पर समाप्त होता है तब हम कहते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है. पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या अंतर है. फर्स्ट पॉइंट, दिस टेंस एंड इन हिंदी रहा था, रहे थे, रही थी एंड रिवॉल्व सच एक्ट्स which have started and continued in the past and have ended. So this sentence must contain words that indicate the time period such as 1 ghante se, 1960 se, mangalwar se, kai saptah se, etc. Yeh tense hindi mein raha tha, rahe the, rahi thi आदि में समाप्त होता है तथा ऐसे कार्य प्रकट करता है जो पास्ट में आरंभ होकर जारी रहा हो अर्थात समाप्त हुआ हो. इसलिए इन वाक्यों में समय की अवधि बताने वाले शब्द अवश्य होते हैं, जैसे 1 घंटे से, 1960 से, मंगलवार से, कई सप्ताह से. सेकेंड पॉइंट, इन दिस टेंस टाइम इज ऑलवेज कम. इस टेंस में समय हमेशा आता है. थर्ड पॉइंट इज टाइम ऑलवेज कम विद से. इसमें समय हमेशा से के साथ आता है. फोर्थ पॉइंट इज इफ से नॉट कम्स विद टाइम इट इज कॉल्ड कॉन्टीन्यूस टेंस नॉट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. अगर समय से के साथ ना आए तो टेंस कॉन्टीन्यूस कहलाता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस नहीं. फॉर एग्जाम्पल, मैं कल पार्क में घूम रहा था. यह सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस है और मैं कल से पार्क में घूम रहा था. इसमें कल से का प्रयोग हुआ है इसलिए यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस है. नंबर 5, इन सेंटेंस दैट हैव टू पार्ट्स द फर्स्ट पार्ट कॉन्टेन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस and in the second part past indefinite are used. ऐसे वाक्य में जिनके दो भाग होते हैं, पहले भाग में present perfect continuous और दूसरे भाग में past indefinite का प्रयोग होता है. For example, जब से वह आया वह हमसे बात कर रहा था. He had been talking to us since he come. इस वाक्य में दो भाग है. पहला, जब से वह आया ही कम को पास्ट इनडेफिनिट और दूसरा, वह हमसे बात कर रहा था ही हैड बीन टॉकिंग टू अस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बनाया गया है. नंबर 6, इन दिस टेंस सिंस एंड फोर आर यूज्ड फॉर टेल द टाइम. इस टेंस में समय को दर्शाने के लिए सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है. अब जानेंगे यूज ऑफ सिंस. वी यूज सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम. किसी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सच एज जैसे सुबह से, 1960 से, मंगलवार से, एक्सेट्रा. यूज ऑफ फोर, we use for period of time. अनिश्चित समय के लिए for का प्रयोग किया जाता है, such as 2 दिन से, 4 सप्ताह से, कई वर्ष से, सेकेंड से, महीने से, घंटे से, मिनट से, etc. Since and for can be used in any tense. सिंस और फोर का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है. अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात साधारण वाक्य ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस.
जिसको बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, वह सुबह 7 बजे से सो रहा था। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 7 इन द मॉर्निंग। इस वाक्य में ही अर्थात वह हमारा सब्जेक्ट है, हैड प्लस बीन हेल्पिंग वर्ब है, स्लीपिंग अर्थात सोने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया है, 7 बजे से, बजे से आया है इसके लिए सिंस का प्रयोग किया गया है, और सुबह के लिए टाइम का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, गाड़ी 2 घंटे से चल रही थी। द ट्रेन हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। इसमें द ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, घंटे से के लिए 4 का प्रयोग किया गया है, और 2 घंटे 2 आवर्स इज इक्वल टू टाइम है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नहीं वाले वाक्य, जिनको बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वह 3 सितंबर से अपने कॉलेज नहीं जा रही थी। शी हैड नॉट बीन गोइंग हिज कॉलेज सिंस 3 सितंबर। इसमें शी सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के लिए नहीं का प्रयोग किया गया है, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, से के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है, और 3 सितंबर टाइम है। सेकेंड एग्जाम्पल इज, वह कई दिनों से मुझे चिट्ठी नहीं लिख रहा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर टू मी फॉर मैनी डेज। इसमें ही सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के लिए नहीं का प्रयोग किया गया है, राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, से के लिए 4 का प्रयोग किया गया है, दिन हमारा टाइम है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर मेकिंग दिस वी यूज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल, क्या वह 3 बजे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 3 o'clock। इसमें हैड बीन हर हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, वेटिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, मेरी हमारा ऑब्जेक्ट है, से के लिए सिंस का प्रयोग किया गया है, 3 बजे टाइम है। सेकेंड एग्जाम्पल इज, तुम इतने दिन से वहाँ क्या कर रहे थे। वॉट हैड यू बीन डूइंग देयर फॉर सो मैनी डेज। इसमें क्या अर्थात वॉट हैड बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, तुम अर्थात यू सब्जेक्ट है, कर अर्थात डूइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वहाँ अर्थात देयर ऑब्जेक्ट है, से के लिए 4 का प्रयोग किया गया है, इतने दिन से सो मैनी डेज हमारा टाइम है। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक प्लस नहीं वाले वाक्य। फॉर मेकिंग दिस वी यूज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्या 2 घंटे से वर्षा नहीं हो रही थी। हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। इस वाक्य में क्या अर्थात हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, इट हमारा सब्जेक्ट है, नॉट नहीं के लिए प्रयोग किया गया है, वर्षा अर्थात रेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, 2 घंटे टाइम के लिए प्रयोग किया गया है, से के लिए 4 का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वह 2 महीने से इस कारखाने में काम नहीं कर रहा था। हैड ही नॉट बीन वर्किंग इन फैक्ट्री फॉर 2 मंथ्स। इस वाक्य में क्या अर्थात हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, ही अर्थात वह सब्जेक्ट है, काम अर्थात वर्किंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, बाकी ऑब्जेक्ट है, से के लिए 4 का प्रयोग किया गया है, 2 माह टाइम है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस क्या है। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।